సమీర ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కోసం బెల్ మీద క్లిక్ చేయండి. పురపాలక సంఘ ఉపాధ్యక్షులు మా గోలి సీనియాలని అనేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి శాంతి పూర్వక కార్యక్రమం ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి స్కీమ్ లేదు. మరి ఈ స్కీమ్తో పాటు అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సహాయాన్ని అనే దాని ద్వారా కూడా గౌరవనీయులు పెద్ద సన్యాన్న గారు నాకు తెలిసిన గారికి ఆరు సంవత్సరాల పది కోట్ల రూపాయలు జగిత్యాల ప్రాంత పేద ప్రజలకు ఇప్పించడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు వారి యొక్క మీరు మనం మర్చిపోకూడదు. అదేవిధంగా షాదీమోహన్ సంబంధించిన కూడా చెక్కులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినా కానీ అందరికి అందే విధంగా అది వారిని ఉన్నత అధికారులతో మాట్లాడి అందరికి చెక్కులు ఇచ్చే విధంగా వారు ఎప్పటికప్పుడు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ రోజు జగిత్యాల పట్టణం సంబంధించిన మా ముస్లిం మహిళా సోదరులకు 30 చెప్పులు రావడం జరిగింది. వారందరూ కూడా సంజ్ఞాన గారు చెప్పులు ఇస్తారు కాబట్టి అందరూ కూడా సంజ్ఞానకు అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా మీ అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. షాదీ ముబారక్ చెప్పుల గురించి మళ్ళీ ముస్లిం మహిళా సోదరులకు మరియు సోదరులకు మరియు వేదికలను చెప్పిన సంజయ్ కుమార్ గారికి, ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ గారికి, పటేల్ గారికి, సతీష్ గారికి, మార్కెట్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు మోసిన్ భాయ్ గారికి మరియు ముస్లిం నాయకులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. షాదీ ముబారక్. బడుగు బలహీన వర్గాలకే కాకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి వాళ్ళకే కాకుండా షాదీ ముబారక్ ముస్లిం సోదరి మనులకు కూడా ఒక అన్నలాగా ఒక తండ్రిలాగా ఉండి అందరికీ కేసీఆర్ గారు అందిస్తున్నారు. దీనికి వారికి నా ఉద్యోగపూర్వక శుభాకాంక్షలు. इस शादी मुबारक प्रोग्राम में हाजिर जनाब डॉक्टर संजय कुमार साहब, एमएलए और जनाब मोहसिन साहब, वाइस चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी, जनाब गट्टू सतीश साहब, प्रेसिडेंट टीआरएस जगत्याल, गोली सिंह साहब, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपालिटी, हसीफ भाई कॉर्पोरेशन मेंबर, एतमादुल्लाह साहब और दिगर हाजरीन इकराम और खवातीन, सबको मेरा सलाम आदाब. आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जगत्याल के माइनॉरिटीज 30 बहनों के शादियों के लिए चेक्स आए हैं. ये पिछली हुकूमत में 15,000 रुपये का सिर्फ सामान दिया जाता था, उसके ज़रिए अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते थे. ये केसीआर साहब की तवज्जो है कि आज 1,01,116 रुपये तोहफे के तौर पर शादी में दिए जा रहे हैं. ये हमारे तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कारनामा है. इसी तरह से और बहुत सारी फलाही स्कीमें शुरू की हैं केसीआर साहब ने ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके. इसके अंदर शादी मुबारक के 30 चेक्स आने में डॉक्टर संजय कुमार साहब की बहुत काविश है, कोशिश है. इसके लिए मैं डॉक्टर संजय कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जय तेलंगाना. आज जगत्याल शहर के शादी मुबारक चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के पे इस जलसे में शामिल हुए हमारा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन मोहसिन भाई, टॉप प्रेसिडेंट सतीश राणा, सभी का काउंसलर ऑप्शन नंबर मोरा हसीबुद्दीन भाई, टीआरएस लीडर कमल भाई, जगत्याल के म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन गौरशेट्टी श्रीनिवास भाई, टीआरएस पार्टी के सबसे सीनियर माइनॉरिटी लीडर मार अमीन भाई, राजकुमार राव, इस सब पे आया सब मार टीआरएस लीडर्स, आपके
फैमिली मेंबर्स और हमारा रेवेन्यू एम्प्लॉय सबको प्रेस्ट सबको सलाम प्रेस्ट। बहुत खुशी का बात है, आज 30 शादी हुए लड़कियों का पेरेंट्स को एक एक को 1,00,000 रुपये 16 रुपये दे रहे हैं। आज तो 30 लोगों को मिलके 30,03,480 रुपये अब तक जगत्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना आने के बाद ये स्कीम शुरू होने के बाद 5,770 लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक है। इसमें कार्य अपने मुसलमान बहनों को 850 लोगों को शादी मुबारक सकती है। कितने बड़ी बात है आप सोचिए। अभी मैं कैलकुलेटर लेके तो पहले 50 से शुरू हुआ, 75 हुआ, अभी 1,00,000 से तो बहुत ही शुरू गिरे तो कम से कम 45 करोड़ रुपए गिरते। काले अपने मुसलमानों को 7 करोड़ रुपए देकर क्रिएट कर रहे और ऐसे ही शादी होने के बाद कोई चाहते है माँ बाप हमारा बेटी फिर पैदा होना बच्चे को जन्म देना ना लड़के होना लड़का होना बोलते वो टाइम पे आंगनबाड़ी स्कूलों में मजबूत करके हर एक दिन अंडा देना दूध देना चावल देना वो भी शुरू करें। इससे पहले 30 अंडे कभी नहीं थे प्रेग्नेंट वाले 8 देते थे। हाँ जी, हर एक दिन एक तरह कोरोना के वक्त में भी हफ्ते के भर बुलाए दीजिए। उसके बाद में डिलीवरी के टाइम पे आप सबको मालूम बड़े लोग हैं सरकार दवाखाने में एक लेडी डॉक्टर भी नहीं रहते थे। आज पैसे ऐसे वाले कहाँ तो भी जाते प्राइवेट में जाते कहाँ तो भी जाते आपको मालूम प्राइवेट में गए तो कम से कम 30,000 से 40,000 होते और कैसे नहीं आते। जगत्याल के सरकार दवाखाने में आज 7 लेडी डॉक्टर से 4 गायनेकोलॉजिस्ट 1 एमबीबीएस और 2 प्रतिमा से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर साहब आज उसके सपोर्ट में नशा देने का डॉक्टर बच्चों का डॉक्टर एमडी डॉक्टर पूरा तो अगर ये इसमें 5,700 में से 4,000 गरीब लोग वहां डिलीवर होते भी एक एक दो भी अपन के 8,000 बच्चे पैदा होते ये 8,000 बच्चों को फिर वहां 40,000-30,000 प्राइवेट डॉक्टर में जितने कितने पैसे होते एक बस में वो छोड़ के केसीआर साहब कहां भी किसी भी सोच में भी नहीं आया केसीआर किट एक तोहफा देना बोल के एक सूटकेस भरे कपड़े माँ को और बच्चे को उसपे पाउडर तेल और मच्छरदान बच्चे खेलने के लिए घर का एक खिलौना भी लाते थे और साथ में लड़का हुए तो 12,000 लड़की हुए तो 13,000 देके अम्मा बड़े बोल के 102 नंबर गाड़ी देते उसमें घर में छोड़ के आ रहे पूरे मुल्क में किसी रियासत में ऐसा नहीं इतना काम अपना सरकार करे। वैसे ही बच्चों को फिर थोड़ा बढ़ते ही आंगनबाड़ी और स्कूलों में टीचरों को अच्छा तनखा देके ये बच्चों को अच्छा पढ़ाने का कुछ ABCD बोलने का 1-2-3 बोलते वो लोग को टीचर बनाए। इससे पहले 4,000 देते थे तनखा आया भी 1,000 देते थे वो लोग क्या करते बच्चों को क्या खिलाते अब वो लोग के भी 6,000 रुपये आया को 10,500 रुपये वो टीचर दे रहे। इसके लिए अपने बच्चे जो स्पेशली जो गरीब रहते हैं जो आंगनबाड़ी स्कूल में रहते हैं वो लोग के लिए और वो बच्चों के लिए अच्छा खाना वो देने के लिए 140 करोड़ रुपये अलग से दे रहे। इससे पहले जितने तेलंगाना रियासत में गवर्नमेंट स्कूल में गए तो सरकार स्कूल में गए तो
कच्चा चावल हो और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स जितना तेलंगाना रियासत में हुआ वो मुल्क में काम ही नहीं। हम फकर से बोल सकते आप जाके देखिए जामा मस्जिद के बाद में बच्चों का है कैसा खाना वहां देते आज भी जाके देखे परसों तरजीह बनते अब नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास के लिए खोले और लड़कियों के लिए अपने गोलकली रोड पे जाके देखे वहां कैसा खाना दे बेहतरीन खाना गरीबों का खाना नहीं अमीरों का खाना वहां खिला रहे बच्चों के लड़कियों के कभी भी हर एक मजहब को यह सरकार बराबर देखते है। मैं भी केसीआर साहब के कैंडिडेट हूँ कोई टीआरएस पार्टी के कैंडिडेट हूँ मैं भी हिंदू मुस्लिम सिख सबको ईसाई को सबको बराबर देखते है। एक अच्छा तहसीब जगीतिया में भी रहना बोल के मेरा भी वही कैश है। केसीआर साहब जैसे इससे पहले द्रौपदी बनाए हुए थे बोल के काली मंदिरों को दे आज मसाजों में इमाम मौजा को भी धक्का दे वैसे ही रमजान के वक्त कपड़े देना खाना खिलाना इफ्तार देना ऐसा ये बोलते गए तो बहुत सा स्कीम तेलंगाना सरकार है। इससे पहले बहुत सा मुसलमान गरीब लोग बीड़ा बनाते एक रुपए नहीं देते थे आज दो दो हजार रुपए आज पेंशन दे रहे अपने नानी नाना बूढ़े लोग जो भी रहते दूसरे रियासतों में यही मुल्क में जहां दूसरे सरकार बड़े बड़े नेशनल पार्टी बोलते 70 साल से देश में हुकूमत चलाए अब भी चला रहे वो लोग सरकार में जहां रियासतों में है ज्यादा से ज्यादा 750 रुपए है। बाजू मुंबई जाके देखो महाराष्ट्र में नांदेड़ पुणे आप लोग पूछो 600 रुपए से ज्यादा नहीं है। गुजरात में अपने प्रधानमंत्री साहब के रियासत में 750 रुपए यहाँ अपन 2000 पेंशन दे रहे इतना स्कीमा ये सरकार करे आपको मालूम। वैसे ही अपने लोग बहुत से लोग रोजगार कर लेते ये करंट हो गए ऐसा बोलते हैं तो बहुत स्कीमा है तेलंगाना आज ये शादी मुबारक का इतना बेहतरीन स्कीम केसीआर साहब के सोच में है किसी का सोच पे कभी नहीं है। अपन शादी करने गए तो गरीब लोग को 10,000-20,000 मिलना मुश्किल होते आज बराबर 1,00,000 रुपए भी मिलते क्यों बोले तो भरोसा है ये लोग आते थे हमारे देते बोलते कोई डुबा दे क्या अपने में कोई भी नहीं डुबा तो भरोसा ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब लगाए कि गरीब आदमी गरीब से गरीब आदमी हो तो ये 1,00,000 रुपए में शादी कर ले सकते सब लोग को बुला के अच्छा बिरयानी खिला के शादी कर लेके बच्चे को भेज सकते ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब ये मैं तो केसीआर साहब को और आप सब लोगों को भी शुक्रिया गुजारता हूँ केवल तो मुझे एक मौका मिला केसीआर साहब ये स्कीम निकालते ही काली एमएलए के जरिए टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना बोल के जीवन निकाले मुझे एक मौका दिया आपको मेरे हाथ से 1,116,000 रुपए का चेक देने का कि आप लोग इमीडिएट सुधारिए थोड़ा गवर्नमेंट का पैसे प्रोसेस में आप कागजात देने के बाद थोड़ा वक्त लगते और आपसे मैं बोलता मुझे पूरा भरोसा 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ हूँ खाली वो मीसे वक्त हुआ तो वो कहाँ भी रिश्वत नहीं देना अगर कोई रिश्वत पूछे तो मुझे आगे बोलो क्यों बोले तो ये वेलफेयर करने का काली हक मेरे को है मेरे से ओनली मेरे से कितनी जरूरत है उसमें दूसरा किसको भी नहीं मैं किसी होता है ना रेवेन्यू वाले इंक्वायर करके मेरे घर लाते मैं सिग्नेचर करते ही देना बस होता है आप किसको भी 1 रुपए भी नहीं देना अगर आप लोगों से कोई दिए तो आप दिए तो मुझे बोलना जल्द से जल्दी मैं ये देने के लिए कोशिश करता हूँ आप वहां सबमिट करते ही मेरे बोलिए मैं इमीडिएटली इंक्वायर करा के आपको चेक आएगा सर पूरा काम नहीं कर लेता हूँ
और अब तक ये बहुत ज्यादा हो गए, आप इतने देर से इंतजार है, ये सरकार का ऑफिस है, ये मेरे लिए, मैं रहता हूँ ये, मगर अब सबके लिए मेरे कितना घर है, मगर यार ऐसा सोलत आप लोग रहना बोल के सरकार ये बना के दिए, आप मेरा मेहमान वैसा है बहुत देर से, तो एक छोटा तोहफा और छोटा तोहफा मैं भी तो आप ऐसे कमाओगे मेरे करे तब तक बंद हो गए छोटा तोहफा और थोड़ा लस्सी लाए बड़ों भी खुलाए तो पी के जाइए शुक्रिया अजीजा बेगम मुबारक अच्छा स्कीम है पान नंबर 31 झंडा महिला मारियम सुल्ताना मुबारक वार्ड नंबर 40 पुराम के रबिया बेगम गंज रोड मुबारक वार्ड नंबर 44 काजीपुरा इंदो वार्ड संबंधी संजय।